में यहाँ पे लिखा है बाघों के घरों में दस्तक न दें, ये घातक हो सकता है। दोस्तों पूरा जो जंगल है यहाँ पर ये बाघों से भरपूर है। और यहीं पर एक हमारे परिचित हैं अंकित भाई, उनके ऊपर हमला किया था टाइगर ने। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने, देखिए इनकी गाड़ी गिर चुकी है अंदर की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं हाथी डंगर रोड, तो आज हम यहाँ पर सारी एक्टिविटी दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ की। और बरसात का मौसम है दोस्तों इस समय, और मैं आपको दिखाता हूँ, बोर्ड भी गिर गया है इस समय। यहाँ पर लिखा है बाघों के घरों में दस्तक न दें, ये घातक हो सकता है। दोस्तों पूरा जो जंगल है यहाँ पर ये बाघों से भरपूर है। और यहाँ पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हाथी डंगर गेट है दोस्तों, और आपको हाथी डंगर गेट भी दिखाएंगे। और सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, क्योंकि बरसात का मौसम है और हम निकल आए हैं आपके लिए एक नए सफ़र में, और आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग दिखाएंगे दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ, चलते हैं हम आगे की तरफ हाथी डंगर रोड पर। दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने सफर में, और देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों, चारों तरफ जंगल है यहाँ पर। और यहीं पर एक हमारे परिचित हैं अंकित भाई, उनके ऊपर हमला किया था टाइगर ने दोस्तों। यही वो जगह है हाथी डंगर रोड, वो पेशाब करने के लिए उतरे थे और पीछे से हमला कर दिया टाइगर ने, और काफ़ी ज़्यादा उनको जख्मी कर दिया था दोस्तों। और यही वो जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना हरा भरा जंगल है, और बारिश हो रही है लगातार। आज हम आए हैं अपनी गाड़ी से, देखिए बाइक का आने में यही नुकसान होता है, आप देख सकते हैं सामने, देखिए इनकी गाड़ी गिर चुकी है अंदर की तरफ, ये देखिए आप, जो काफ़ी नुकसान हो गया है। गाड़ी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल के साथ इन्होंने गाड़ी निकाली दोस्तों, और अब ये चाह रहे हैं अपने घर। दोस्तों यही वो गेट है हाथी डंगर गेट, जिसकी बात हम कर रहे थे सामने, आप देख सकते हैं। और इस समय पानी भरा हुआ है यहाँ पर हाथी डंगर गेट पर, ये देखिए आप सामने। दोस्तों जस्ट हमारे सामने है हाथी डंगर गेट, नया गेट खुला दोस्तों, और यहाँ पानी भर चुका है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर सफारी बंद है क्योंकि बरसात का मौसम है, और सामने कुछ गाय और भैंस चल रही हैं घास। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और देखते हैं वाइल्ड लाइफ की क्या एक्टिविटी दिखाई देती है, और जो भी हमें आपको जो भी वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी दिखाई देगी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी सारी भैंसें और गाय घास चल रही हैं यहाँ पर, गाय भैंसें। दोस्तों मानसून की बात करें तो उत्तराखंड में हाई अलर्ट है बारिश का, और देखिए जगह जगह पानी आना स्टार्ट हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। और अभी हम हाथी डंगर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और पीछे गेट था उसका दोस्तों, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल हरा भरा जंगल है, और रोड कितनी प्यारी है ये देखिए आप सामने। और सामने जा रही हैं कुछ बाइकें, क्योंकि इस समय बाइक से जाना बिल्कुल ख़तरनाक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का बरसात में निकलने का बहुत चांस होते हैं दोस्तों, और ऐसे ही हमला कर देता है टाइगर या लेपर्ड बाइक वालों पर, तो सावधानी के साथ चलें दोस्तों। और देखिए आप व्यू चेक करिए, व्यू कितना प्यारा है। और चलते हैं हम आगे की तरफ, कोई गतिविधि दिखाई देती है तो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब यहाँ आ चुके हैं हम आबादी वाले क्षेत्र में, और देखिए कितना पानी भरा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और यहाँ पर कुछ बर्ड्स नहा रही हैं पानी में, ये देखिए आप। अब घना जंगल यहाँ से समाप्त होकर आबादी वाला क्षेत्र चालू हो गया है। वाइल्ड लाइफ इस समय बरसात के मौसम में बाहर निकलने के लिए बहुत चांस होते हैं बाहर निकलने के, इसलिए कोई भी खतरा हो सकता है दोस्तों। और ये देखिए सामने आबादी वाला क्षेत्र है, और काफ़ी यहाँ पर घर भी बने हुए हैं आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कोई और एक्टिविटी दिखाई देती है तो। दोस्तों हम निकल आए हैं बाहर की तरफ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितना पानी आ चुका है यहाँ पर, ये जा रहा है गोल्डन जंगल आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये हमें मिला है हाथी डंगर रोड पर, गोल्डन जंगल जा रहा है सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों आप सामने। अब चला गया घने जंगल की ओर, आप देख सकते हैं सामने ये एरिया पड़ता है हाथी डंगर रोड, और आप व्यू चेक करिए, व्यू कितना प्यारा है दोस्तों, अल्टीमेट व्यू है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने। और सामने कुछ बर्ड्स, ये देखिए आप सामने, आवाज़ सुनिए आप, नेचुरल आवाज़ सुनिए यहाँ पर आप, ये देखिए आप, बारिश पड़ने से इतनी खुश हैं टटेरी, और देखिए आप कितना पानी आ चुका है अभी एक ही बारिश में, यहाँ पर कितना पानी आ चुका है दोस्तों, क्योंकि ढेला बिल्कुल फुल हो चुकी है इस समय आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा एरिया बचा है, बाकी यहाँ जगह जगह पानी है दोस्तों आप देख सकते हैं सामने। और ये आबादी वाला क्षेत्र है, ये देखिए आप सामने, ये आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर छोटी सी ढेला जाते हुए, और बाकी जो एरिया है उसका सामने की तरफ हाथी डंगर है दोस्तों यहाँ से 1 किलोमीटर। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं कुछ और एक्टिविटी समय हाथी डंगर रोड पर, और आबादी वाला क्षेत्र आ चुका है दोस्तों,
और इस समय बारिश की बात करें तो लगातार यहाँ बारिश पड़ रही है। फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए रुक गई है। बाकी इधर देखिए आप, नहर चल रही है पानी की भरपूर, और वाइल्ड लाइफ, ऐसे मौसम में वाइल्ड लाइफ बाहर निकलती है जंगल से, क्योंकि जंगल में हो जाता है पानी। तो दोस्तों देखते हैं आगे की एक्टिविटी, कोई वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है या नहीं मिलती है। और आप देखिए जगह जगह कितना पानी भरा हुआ है। अभी हम आ चुके हैं क्रॉसिंग पर पीरू मंदारा। देखिए दोस्तों कुछ लोग मछली मार रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने जाल लगा के। और ये आबादी वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पीरू मंदारा। और रामनगर की बात करें तो रामनगर इस समय दोस्तों अल्टीमेट व्यू हो रहा है, बहुत प्यारा था, एक नंबर। और इस समय से हमें बादल बिल्कुल छाँव छाँव और पानी बरसता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सामने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और मौसम की बात करें तो लाजवाब मौसम है दोस्तों। देखिए दोस्तों जस्ट रोड किनारे, कितनी छोटी रोड है ये, और चारों तरफ यहाँ पर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं घासों की। देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, और कहीं से भी वाइल्ड लाइफ निकल के हमला कर सकती है। ऐसी जगह लेपर्ड छुपकर देखता है और अचानक से वार कर देता है जो पैदल चलने वाले यात्री हैं या बाइकों पर चलने वाले यात्री हैं उन पर। तो बेहद ही सावधानी के साथ दोस्तों आप चलें ऐसी जगह, नहीं तो आपके लिए घातक हो सकता है और आगे परेशानी पड़ सकती है आपको। देखिए इधर की तरफ भी मछली मारते हुए कुछ बच्चे और बड़े। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं ढेला जोन, आगे की तरफ पड़ता है ढेला जोन। और अभी हमने क्रॉस किया है हाथी डंगर रोड, और देखिए ये जो रास्ता पड़ता है बिल्कुल नहर किनारे वाला रास्ता है दोस्तों। और चारों तरफ यहाँ पर आसपास झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं और कुछ आबादी वाला क्षेत्र आते हुए। तो देखिए आप दोस्तों कितनी तेज नहर चल रही है, आप देख सकते हैं, और पानी इस समय भरपूर आ चुका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। दोस्तों ऐसी जगह ही छुप के हमला करता है लेपर्ड, और अचानक से, और देखिए सामने कुछ महिलाएं आते हुए, लेपर्ड हमला कर देता दोस्तों इसी तरीके से कभी आप ना चले रोड किनारे। और अभी हम रोड क्रॉसिंग करते हैं, और व्यू चेक करें तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, नंबर एक व्यू है दोस्तों। और सामने रामनगर की तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए दोस्तों आबादी वाला क्षेत्र चालू हो गया है, और हम पहुंचने वाले हैं रामनगर। ये देखिए आप दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।